50 साल पहले आज यानी 18 मई 1974 ही वह ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन को अंजाम दिया था और इस प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान के पोखरण में अपना ऐतिहासिक पहला परमाणु परीक्षण किया था। हालांकि जब तक भारत ने वास्तव में परमाणु परीक्षण नहीं कर लिया था तब तक इस प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के साथ साथ कई वैश्विक शक्तियों ने परमाणु हथियार वाले राज्यों के प्रसार को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था। हालांकि ये ऑपरेशन आज भी एक रहस्य है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अपर्णा झा। भगवान बुद्ध का नाम शांति के संदेश के साथ जुड़ा है, तो ऐसे में इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा क्यों रखा गया, ये सवाल लोगों के जहन में अक्सर दौड़ता है। दरअसल इंदिरा गांधी सरकार में किए गए इस ऑपरेशन को बुद्ध पूर्णिमा के दिन अंजाम दिया गया था और इसी वजह से इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। साल 1974 में 18 मई को परमाणु परीक्षण की तारीख फिक्स हो गई थी। उस समय दुनिया भर के देश भारत की जासूसी में लगे थे। यूएन में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य देश ने परमाणु परीक्षण नहीं किया था। ऐसे में इस ऑपरेशन को गुप्त तरीके से पूरा करना एक बड़ी चुनौती थी। बता दें कि पोखरण रेंज पाकिस्तान की सीमा के करीब है। भारत ने 50 साल पहले ही दुनिया को हैरान कर दिया था जब परमाणु परीक्षण किया गया और दुनिया को पता भी नहीं चला। भारत का कहना था कि यह परमाणु परीक्षण शांति बनाए रखने के लिए ही किया गया था, इसलिए इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा और भी सटीक बैठता है। इसके साथ ही भारत ने यह भी कहा था कि यह हथियार आत्मरक्षा के लिए है और वह कभी किसी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा। 18 मई 1974 को बीएआरसी के डायरेक्टर प्रणव दस्तीदार ने सुबह 8:05 पर टेस्ट किया था। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस टेस्ट के लिए हामी भरी थी और इसकी भनक रक्षा मंत्री तक को नहीं लगी थी। इंदिरा गांधी ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहा और साथ में इस टेस्ट को देश के हित में बताया। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुंबई से विस्फोटक और अन्य सामग्री पोखरण पहुंचाई गई थी। वहीं इस टेस्ट को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया गया था। दरअसल इस टेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लूटोनियम की सप्लाई कनाडा और अमेरिका से हुई थी, इसलिए जब टेस्ट की बात दोनों देशों को पता चली तो वे भारत के विरोध में खड़े हो गए। उनका कहना था कि इसका इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जा सकता था। हालांकि अब तक इस बात को लेकर बहस चल रही है कि यह एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था या फिर एक परमाणु बम का टेस्ट था। बता दें कि जहां एक तरफ पंडित नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था, वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के विचार अलग थे। चीन परमाणु शक्ति संपन्न था और वह भारत के लिए बड़ी चुनौती थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया। 75 वैज्ञानिकों की टीम ने परमाणु परीक्षण को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस टीम की कमान राजा रमन्ना के हाथों में थी। वहीं इस परीक्षण के बाद दुनिया भर के देशों ने भारत की ताकत का लोहा माना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।